मयूर भाई, मेल और फीमेल काश हमारी तरह होते हैं, जिनको मूछ है वो मेल, जिनको मूछ नहीं है वो फीमेल, बट अनफॉर्चुनेटली ये आइडेंटिकल लगते हैं। 100% कंफर्म तब होता है जब फीमेल्स एग ले करते हैं और मेल उसे फर्टिलाइज करता है। आज हम मुंबई के अंधेरी में ओशीवारा में है और ये हमारा डिस्कस वीडियोस का तीसरा पार्ट है, डिस्कस वीडियोस के श्रृंखला के थर्ड पार्ट। और यहां ओशीवारा में हम हैं एक्वा डिस्कस में। एक्वा डिस्कस और अनिल डिसूजा के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि फिश उन्हीं के यहां से आया है। आज हम खुद आ गए उनका पूरा सेटअप देखने और आपको भी दिखाएंगे। और एक बहुत ही मजेदार चीज होने वाला है अनिल जी के साथ, बताओ उनके साथ थोड़ा केबीसी खेलते हैं, देखते रहना। ओके, तो अभी हमारे दोस्त अनिल डिसूजा भाई को बुलाएंगे, वो बहुत अजीब लगता है बट अनिल भाई को बुलाएंगे और देखते रहो, बात करेंगे उनसे। अनिल भाई प्लीज आइए। हाय मयूर, हाउ आर यू डूइंग? हाय, हाउ आर यू? इट्स गुड टू हैव यू हियर एट एक्वा डिस्कस। सैनिटाइज किया था? यस सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। डिस्कस वाले हमेशा सैनिटाइज देते हैं। तो अनिल भाई जो है मेरे काफी पुराने दोस्त है और मैं हमेशा अनिल भाई, मेरे दिल में एक स्पेशल जगह है बिकॉज जब मैं बॉम्बे पहली बार आया था 6-7 साल पहले तो मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे और अनिल भाई ही थे कि उनके ग्रुप में लिया, साथ में लिया। हम लोग वर्सोवा में कोली फेस्टिवल, फिश फेस्टिवल में जाते थे और भी बहुत सारे कहानियां हैं, एक और दिन के लिए वो कहानी बता नहीं सकते। बट अनिल भाई इज अ गुड फ्रेंड एंड अ वेल विशर एंड आज लाइक ए सेड हम है अनिल भाई के सेटअप में ओशीवारा में, उनके डिस्कस देखेंगे। आप वीडियो में बने रहो, बहुत बहुत सुंदर डिस्कस है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो अनिल भाई आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि कौन सा फिश कौन सा है। और मैं जानता हूं ये सब आईपी डिस्कस है, आईपी डिस्कस का मतलब क्या है? आईपी डिस्कस इज अ ब्रांड फ्रॉम मलेशिया विच इज नोन और सुपर नोन फॉर मेकिंग ग्रैंड चैंपियंस। जैसे डिस्कस का भी एक कॉम्पिटिशन होता है अक्रॉस द ग्लोब और उस कॉम्पिटिशन में आईपी जो ब्रांड है दे हैव बैग्ड और दे हैव वन द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर मेकिंग ग्रैंड चैंपियंस। ओके, ग्रैंड चैंपियन इज एक कॉम्पिटिशन होता है डिफरेंट स्ट्रेन्स के साथ और वो सब डिफरेंट स्ट्रेन्स में जो सबसे सुप्रीम फिश रहता है दैट इज बीन प्राइज्ड एज ग्रैंड चैंपियन। सो आईपी डिस्कस is known for making most of the grand champions across the globe. IP discus, okay, champion fish. तो आज हम अनिल भाई के साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। नहीं, करोड़पति नहीं बना रहे बस, हम आज खेलेंगे केबीसी नहीं, ठीक है, केपीडी। केपीडी? हाँ, केपीडी। I've heard about केबीसी, केबीसी सुना है। ये आज हम आपके साथ खेलेंगे कौन पालेगा डिस्कस। नाइस नाइस, ठीक है। वी विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस हैं हम आपसे पूछेंगे और आप हमें बताएंगे कि यू नो उसमें कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या करेक्ट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए एज अ हॉबीस्ट, क्या नहीं करना चाहिए, फिश खरीदते टाइम क्या करना चाहिए। ज्यादातर शॉपकीपर्स या बिजनेस पीपल बताते नहीं है लेकिन मुझे मालूम है कि आप जरूर सच बताओगे ताकि हॉबीज जो है हमेशा उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट, हॉबी के लिए कुछ भी। एक्वा डिस्कस ब्रांड फॉर्म करने के लिए ही मैंने अपना पैशन फॉलो किया है, सो ऑफकोर्स हर हॉबीस्ट को मैं हेल्प करूंगा, इनडेफिनेटली सेल्फलेसली हेल्प करूंगा। तो अनिल जी आपका पहला प्रश्न ये है कि आप हॉबी में कब आए? हॉबी में, फिश कीपिंग हॉबी में ऑलमोस्ट 29 इयर्स हो गए मुझे।
और हाँ 29 ईयर्स बैक डिस्कस तो नहीं हुआ करता था या डिस्कस अफोर्डेबल नहीं हुआ करता था, बट जहाँ तक मुझे याद है डिस्कस मैंने गए 14 या 15 ईयर्स से डिस्कस रखना चालू किया और गए 11 साल से ट्रेड में हूँ और लास्ट 5 ईयर्स से फुल ऑन सिर्फ पैशन फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्कस ला रहा हूँ, डिस्कस बेच रहा हूँ, हॉबी बढ़ा रहा हूँ। फैंटास्टिक, ये कोई रीजन होगा क्यों आप हॉबी में आए, क्या था वो, व्हाट वाज दैट वन मोमेंट यू सेड नहीं फिश पालना ही है मेरे को, हॉबी करना ही है मेरे को। 29 ईयर्स बैक ऑफकोर्स मैं काफी छोटा था, आज भी छोटे हो, आज भी छोटा ही हूँ, अब भी सिर्फ थोड़ी सफेदी आई है बट आज भी छोटा हूँ। मेरे कजिन्स के घर पे टैंक्स हुआ करता था और वहां पे जाएगा तो सिर्फ वही एक चीज अट्रैक्शन होता था, मेरे नेबर्स के पास टैंक हुआ करता था, तो वहां से ही डेवलप कर लिया ये हैबिट एंड आज टैंक्स ही टैंक्स है सब जगह पे टैंक्स ही टैंक्स। डिस्कस क्यों, आप हमेशा कहते हैं डिस्कस द किंग ऑफ एक्वेरियम, पैशन फॉलो करना है तो किंग एंड क्वींस के साथ कीजिए, क्वींस तो हमारे हाथ आती नहीं है तो व्हाई नॉट द किंग, सो इसीलिए डिस्कस। गुड वन, गुड वन। तो अनिल भाई आप फटाफट, आपने 1 2 3 नंबर डाला है, बहुत सुंदर दिख रहा है टैंक्स वगैरह, एंड आप हमें समझाएंगे कि ये कौन सा वैरायटी है, उसका साइज क्या है, जनरली आपके हिसाब से आप समझाइए ताकि पब्लिक को भी ये समझ में आए कि कौन सा वैरायटीज है, कौन सा फिश है, ठीक है। तो अभी अनिल जी हम आपको और थोड़े कठिन प्रश्न पूछेंगे, अमिताभ बच्चन साउंड कर रहा हूं क्या, थोड़े बठा थोड़ा लग रहा है ऐसा, 1000 रुपए जीतने के बाद तो ऐसा लगता ही है तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन, डिस्कस रखने के सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत कठिन सवाल है लेकिन बहुत सरल जवाब है, इजी जवाब है, डिस्कस को चाहिए सिर्फ साफ पानी, अच्छा खाना और नॉर्मल टेम्परेचर, दैट्स इट। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब थोड़ा स्पेसिफाई कीजिए। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफी सूटेबल है फॉर डिस्कस, ऑफकोर्स हमारे हिली रीजन्स में वो टेम्परेचर नहीं काम कर पाता, बट ये जो हमारे बॉम्बे का वेदर है या बैंगलोर का वेदर है या मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट का वेदर है, ये डिस्कस के लिए काफी सूटेबल है। एवरेज अगर हम बोलेंगे तो 26 to 30 degrees, बिटवीन 26 and 30 degrees डिस्कस इज द मोस्ट कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, बिकॉज मोस्ट पीपल क्या बोलते हैं कि डिस्कस रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे और मैं फिर से पूछने वाला हूं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? मार्केट ट्रेंड जो जा रहा है कि डिस्कस को अगर एक बिजनेस गिमिक है कि अगर डिस्कस को एक्सपेंसिव बेचना है तो यहां तक ये मेरा ओपिनियन है कि अगर डिस्कस को महंगा बेचना है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दो, कॉम्प्लिकेशन ऑलवेज कॉस्ट मनी, बट जहां तक मैं जानता हूं डिस्कस रखना इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन, इवन अ स्मॉल किड में, मतलब मैंने डिस्कस रखने चालू किया था एट द एज ऑफ मे बी 22 23, ऑफकोर्स नॉट अ स्मॉल एज, बट तब से मैंने डिस्कस रखा हूं, एक बार गलती की दूसरी बार उसी से सीखा और आज यहां पे भी रखता हूं, बिजनेस भी करता हूं, मेरे घर के डिस्कस भी है, मैं यहां पे रहता हूं बिटवीन 9 and 7, उसके बाद जाके मेरे घर के डिस्कस को अटेंड करता हूं, तो डिस्कस कीपिंग इज नॉट रॉकेट साइंस, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, लुक एट द फिश, अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर एंड गिव इट व्हाट इट वांट्स बेस्ट। सो दिस इज इंटरेस्टिंग एंड अभी आप हमें पूरा दिखाएंगे कि कौन सा डिस्कस है आपके साथ और आपके पास कौन सा डिस्कस है, वैरायटीज क्या है? सो ये है, ये टैंक में है ब्लू रिम रेड रोज, ये आईपी डिस्कस से नहीं है बट अगेन एक काफी अच्छे रिनाउंड ब्रीडर मिस्टर मार्क टैन है, उनकी फिश है ये उनका लाइन है। सो अदर देन आईपी आई हैव अ फ्यू अदर डीलर्स आल्सो हुम एक्सक्लूसिवली आई डील विद। एक बात ये ध्यान से सुन लेना कि मैं अनिल भाई को एक क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं कि कौन सा फिश का प्राइस क्या है। मेरा चैनल कोई रेगुलर यूट्यूब चैनल नहीं है कि दुकान में जाए इसका कितना उसका कितना, मैं नहीं करने वाला हूं। अगर आपको प्राइसेस जानना है जो भी वैरायटी का साइज का सभी, आप अनिल भाई को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं प्राइसेस नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं ये मानता हूं कि अगर मैं आपसे प्राइस पूछूं तो इंफॉर्मेशन कम हो जाएगा, प्राइस पे डिस्कशन ज्यादा होगा।
ओके सो विदाउट आस्किंग द प्राइसेस मैं आपसे ये पूरा हम लोग देखेंगे क्या क्या डिस्कस है, क्या वेराइटीज है, और एक बहुत ही सीक्रेट वाला फिश है, ठीक है, बहुत सीक्रेट, अनिल साहब ने पीछे छुपा के रखा है, मेरे पीछे है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फिश है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये अनिल साहब का सीक्रेट है, मैं बता रहा था ना सीक्रेट है कह करके, ये एल्टम एंजल्स, इसका क्या सीक्रेट है, एक एक फिश ऑलमोस्ट 1 फीट तक ग्रो हो सकता है, ब्यूटिफुल फिश। इसका कुदरती खुराक कार्डिनल टेट्रा, रमिनोस टेट्रा ब्रेकफास्ट में खाता है, ऑसम फिश। अनिल भाई इसके बारे में बताइए ना। सो ये है रेड रोज, इसका साइज है काफी वेरिएशन में साइज गिना जाता है, जैसे लिप टू स्टार्ट ऑफ टेल ये अराउंड 4 इंच 4 4.5 इंच है, बट विद द टेल ये 5.5 इंच होता है। कोई लोग इसे फिन टू फिन गिनते हैं जो अराउंड वापस 5 साढ़े 5 इंच होगा। सो इसके लिए इसका एक खासियत है कि इसके फिन्स पे ब्लू कलर का रिम आता है और इसका फेस ब्लू होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं ब्लू फेस ब्लू रिम रेड रोज। सो जैसे अनिल भाई ने बोला, व्हाट इट वांट्स इज साफ पानी, अच्छा खाना और टेम्परेचर, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं लव एंड अफेक्शन, प्यार से ही ये यू नो इतना सुंदर बनते हैं। प्यार मोहब्बत नहीं है, ऐसे ही बिजनेस करना है तो मत रखो, इज दैट राइट? एब्सोल्युटली राइट मयूर, ये हॉबी है, हॉबी इज जिनके लिए बिजनेस है उनके लिए बिजनेस है, बट जिनके लिए वो हॉबी है इट शुड बी पैशनेट, वन हैज टू बी पैशनेट टुवर्ड्स योर पेट्स, बी इट फिश बी इट डॉग बर्ड्स वॉट एवर, हॉबी है तो पैशन होना जरूरी है, और पैशन है तो ऐसा नहीं है कि सुबह में खाना डाल के चला गया शाम में आके देखे, नहीं, यू हैव टू गिव इट टाइम, टेक टाइम फ्रॉम इट, एंड आई फील इट्स द बेस्ट बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फिश टैंक रादर देन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इडियट बॉक्स। अकॉर्डिंगली यहाँ पे है आईपी के ब्लू एंजल्स, ये बेसिकली ब्लू रहते हैं, और आईपी के ब्लू एंजल्स में ये खासियत है कि इनके आयरिस हमेशा रेड रहते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे वही है ब्लू एंजल्स है, थोड़े बड़े साइज के, अभी भी मैच्योर नहीं है बट काफी सुंदर है। ये सॉर्टेड है, यहाँ पे है हमारे पास येलो लेमन, कोबाल्ट ब्लूज, रॉयल रूबी रेड्स, ये सब आईपी से है। सो अनिल भाई मैं समझो मैं नया हॉबीस्ट, मैं आपके पास या कोई भी शॉप में जाता हूं, तो मेरे को क्या देखना जरूरी है? अभी ये डिस्कस अच्छा है बुरा है मेरे को कैसे पता चलता है? क्या एक 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए हमारे हॉबीस्ट को, व्यूअर्स को, जिसमें अच्छा डिस्कस सेलेक्ट करें। मैं आज जो लेवल पे हूं एट व्हाट आई एम सेलेक्टिंग डिस्कस, और मैं कैसे सेलेक्ट करके डिस्कस लाता हूं, वो काफी एडवांस लेवल है, बट फॉर अ नॉर्मल हॉबीस्ट टू सेलेक्ट वन डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ डिस्कस हेल्दी डिस्कस कभी कोने में जाके बैठेगा नहीं, हेल्दी डिस्कस होगा तो उसके कलर्स पूरे डिस्प्ले करेगा। जैसे अब यहाँ पे कोई भी एक वो है, किसी में भी डार्कनेस नहीं है, ठीक है, एंड दे आर लाइक फ्रेंडली, आराम से वो डरते नहीं है, वो कोने में नहीं जाते, तो हेल्थ वाइज दीज डिस्कस आर फाइन। ओके, फ्यू टेक्निकल इंडिकेटर्स बोले तो अभी ये बॉडी के हिसाब से अगर इसका आई देखेंगे तो बॉडी टू आई रेशियो सेम होना चाहिए। स्टंट फिश जैसे बोलते हैं कि जो फिश को ग्रोथ नहीं होता है उसके आईज बड़े हो जाते हैं, बॉडी साइज उतनी रह जाती है, जैसे अंडर डेवलप्ड चाइल्ड कह सकते हैं, मतलब शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा है, सो वैसे है। और जब भी फिश देखो तो उसके फिन्स अपराइट इरेक्ट खड़े होने चाहिए, जो फिन्स थोड़े क्लैंप करके रहते हैं तो प्रॉबेबली कुछ बीमारी है, कुछ हो सकता है, मतलब नॉट अ गुड साइन। सो बेसिकली एक हेल्दी डिस्कस में फिन्स अच्छा होना चाहिए, कलर्स ब्राइट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, पीछे जाके छुपना नहीं चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है जब आप भी दुकान में जाओ। तो आपने ये बताया कि मैं क्या देखूं, मैं शॉपकीपर से क्या पूछूं? बिकॉज ज्यादातर मैंने जब देखा है, हम भी वही करते थे बचपन में अनिल भाई, दुकान में जाओ, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये और भी अच्छा है, वो या व्हाट शुड आई आस्क द शॉपकीपर, मैं क्या पूछूं उससे?
डिस्कस का अगर मैं आपको बताना चाहूं कि आपको अगर डिस्कस रखना है, सही मायने में डिस्कस, अच्छी डिस्कस रखने हैं, तो ऐसे शॉप में जाइए जहां पे मल्टीपल वेराइटीज के फिशेज ना हो, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन डिस्कस को सबसे पहले अफेक्ट करता है। क्रॉस कंटेमिनेशन मतलब डिफरेंट सोर्स या डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट ब्रीडर से आई हुई मच्छी, डिफरेंट मच्छी डिफरेंट डिफरेंट पैरासाइट्स और बीमारियां लेके आते हैं, तो वो पानी। तो आप जो बोल रहे हो कि नॉर्मल शॉप में जहां पे गोल्ड फिश भी है, बाब्स भी है, सिकलेट्स भी है, एंजल्स भी है, तो अगर उसमें आप डिस्कस भी है दुकान में, तो वो दुकान में उसको बीमार होना ज्यादा चांसेस है बीमारी का, बहुत पॉसिबिलिटी है कि बीमारी वहीं से आ जाए। क्योंकि दूसरे क्या फिशेज में बीमारियां हैं वो डिस्कस में आपको वहां नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट सेम है। जैसे आपने अपने टैंक में लाके डाला और आपका एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, आपके हेल्दी फिशेज है, तो वो फिशेज टेंडेंसी रखते हैं कि आपके हेल्दी फिशेज को बीमार करते हैं। सो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां से लेना है इज ऑलवेज गो टू अ प्रॉपर डिस्कस कीपर। एक ऐसे जगह जाओ जहां पे ज्यादातर डिस्कस पे फोकस हो। अगर आप डिस्कस पे इंटरेस्ट रखते हो तो डिस्कस पे फोकस्ड शॉपकीपर या यू नो कीपर, उनके पास लीजिए, ब्रीडर वगैरह जो भी है। एब्सोल्युटली राइट। यहां पे है एक स्पेशल टैंक जिसमें सिर्फ सब वाइल्ड कॉट्स हैं। ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हैकल्स है, इसमें है ब्लू मून हैकल, ब्लू फेस हैकल और नमूडा हैकल्स। ये सब ये रिवर से है, नमूडा रिवर से है। यहाँ पे हमारे पास है रॉयल रूबी रेड्स और गोल्डन सैंड मिरास, जो थोड़ा बहुत रेडर है वो गोल्डन सैंड मिरास है। उनके फेस थोड़े गोल्डनिश है, दे हैव अ पाउडर लाइक ऑन देयर फेस एंड फोरहेड्स, सो ये रेड वैरायटी है। नाउ एक क्वेश्चन जरूर आता है कि टैंक का मेंटेनेंस, अभी आपने ज्यादातर सब बेयर बॉटम टैंक रखा है, क्यों अनिल भाई, क्यों बेयर बॉटम रखा है आपने? हमारे यहाँ पे कैसा है कि डिस्कस को हम एनिमल हार्ट फीड करते हैं। एनिमल हार्ट फीड कोई भी मच्छी हो, कोई भी फिश टैंक हो, आप फीड डालेंगे तो वो पूरा नहीं खा पाएगा, थोड़ा बहुत रेसिड्यूस रहेगा, वेस्टेज रहेगा, और इनकेस अगर हम उसको क्लीन नहीं कर पाए, वो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने आप डेवलप कर सकता है, क्योंकि पानी हर टाइम चेंज नहीं होता है। सो वो अवॉइड करने के लिए, टू कीप द टैंक बॉटम क्लियर, हमने इसे बेयर बॉटम रखा है। और हम इसके पानी का चेंजेस इन अ डे, बिकॉज आई एम कमर्शियल, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर, अपकीप के लिए मैं दिन में दो बार उनके पानी चेंज करता हूँ, और मेरे फीडिंग लेवल्स भी काफ़ी हाई होते हैं। बट जब यही मच्छी मेरे क्लाइंट के वहाँ जाएगी, तो नॉट नेसेसरी कि वो भी एनिमल हार्ट फीड करें, वो ड्राई फीड भी कर सकता है और उसका टैंक प्लांटेड भी हो सकता है। तो उसलिए मैं फिश को इमिजिएटली नहीं देता, मैं उसको सीजन करके देता हूँ, तो वो फिश वो एनवायरमेंट के लिए भी सीजन हो जाती है। जो लोग अभी मन में सोच रहे हैं कि अनिल भाई से कैसे खरीदे फिश या अनिल भाई को कॉन्टैक्ट कैसे करें, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और नीचे भी है वीडियो में, ठीक है, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं जानता हूं अनिल भाई फोन उठाते नहीं है, ठीक है, प्लीज व्हाट्सएप करके मैसेज छोड़ दीजिए एंड वो आपको वापस कॉन्टैक्ट करेंगे जरूर। फोन नंबर नीचे है, ओके। अनिल भाई, बहुत सारे फोन आने वाले हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, मैं आशा करता हूं कि आप उनको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे एंड एज बेस्ट एज यू कैन, ओके। या डेफिनेटली। यहाँ है हमारे पास वाइल्ड्स अगेन ट्रोमेटा रिवर से, दीज आर कॉल्ड ट्रोमेटा रेड जायंट्स और ट्रोमेटा आइका है, तो ये दोनों रेड रेड वेराइटी के फिशेज है जिसपे आइका बार आता है। यहाँ है आईपी के कोबार्ट्स, ब्लू कोबार्ट्स, ये ब्लू एंजल्स की तरह ही है बट इनके फेस पे ये ब्लैक बार है, ब्लैक स्ट्रेस बार है। ये आईपी के वन ऑफ द ग्रैंड चैंपियन लाइंस है। अभी एक डिस्कस जब भी हम लाते हैं ना, तो हम लोग इंडियन है, ठीक है, कार लेते हैं तो माइलेज पूछते हैं, आदत ही है, तो डिस्कस कितना साल या महीना या उसका लाइफ स्पैन क्या है? डिस्कस इज नोन टू लिव फॉर अराउंड 7 to 8 years। मेरे पास पर्सनल मेरे कलेक्शन में अराउंड 7.5 year का डिस्कस है एंड टचवुड अब तक वो स्ट्रांग लग रहा है। आई फील डिस्कस वुड क्रॉस दैट 8 years or 9 years ऑल्सो। हैविंग सेड दैट, डिस्कस ऑन एन एवरेज
पांच साल तो जीना चाहिए। अगेन, अगर पानी साफ हो, खाना अच्छा हो, अच्छा खुराक मिले, प्रोटीन मिले और यू नो प्यार मोहब्बत मिले, तो अनिल भाई के साथ 7.5 साल का डिस्कस है, लेकिन 5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो 5 इयर्स एवरेज लाइफ स्पैन। अभी मैंने आपके शॉप में देखा, यू नो 8-9 इंच का डिस्कस था वो, तो डिस्कस कितना बड़ा हो सकता है? एक जनरल साइज, जनरल हॉबीज के वहां पे एटलीस्ट 6-7 इंचेस डिस्कस होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उतना केयर लेता है। बट प्रोफेशनल्स के पास जो कंपटीशन ग्रेड डिस्कस बनाते हैं, दे ग्रो अप टू आई डोंट नो व्हाट दिस साइज इज, 10 इंच तो है। और रिसेंटली मेरे एक काफी क्लोज फ्रेंड कम हॉबिस्ट, उनके लिए मैंने सोर्स करके दिया था, दैट डिस्कस वॉज एज बिग एज माई फेस। I'm a big man, and yeah, मेरे हाथ से बड़ा था, तो yeah, I have seen 10 inch plus discus also. So those are grown by professional people. They look at the genes, genetics देख के उसे proper growth देते हैं. But otherwise, in general, 6 inches for a discus is normal. तो अगर आपका discus 5-7 इंच तक है, तो मतलब healthy है, अच्छा size है. ये है white butterfly और टाइगर टर्कोइज, ये वाला व्हाइट बटरफ्लाई है, ये अगेन अ ग्रैंड चैंपियन लाइन है, टाइगर टर्कोइज है, अगेन दैट्स अ ग्रैंड चैंपियन लाइन। तो ग्रैंड चैंपियन लाइन जब मैं कहता हूं, तो उसका मतलब है कि वो फिश उसमें एक अराउंड 10-11 इंचेस ग्रो होने का पोटेंशियल है। सो दैट्स द ग्रैंड चैंपियन लाइन, जो उनको ग्रैंड चैंपियन की ट्रॉफीज मिले है। दूसरा बात, बहुत लोग दुकान में जाते हैं, एक डिस्कस लेके आते हैं, वो मेरे को आई फील दैट इज नॉट राइट, डिस्कस कूलिंग फिश है, तो ये वाला टैंक 3 फीट का है अनिल भाई? या ये 3 फीट का टैंक, 3 फीट by 1.5 डेढ़ फीट और डेढ़ फीट हाइट है इसकी, सो दिस इज 3 1.5 1.5 3 1.5। अगर ये साइज का मैं टैंक लू, तो मैं कितना फिश रख सकता हूँ बेयर बॉटम में? ठीक है, ये साइज का अगर आप टैंक लेते हैं, 3 फुट का टैंक लेते हैं, और ये जो मच्छी आप यहाँ पे है, दिस इज अराउंड 4 इंच का फिश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बेयर बॉटम टैंक है जिसमें एक सिर्फ बायोफिल्टर है और एक एरिएशन स्टोन है, तो अराउंड 10-12 फिशेस काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि डिस्कस हमेशा साथ में रहती है। आप एक या दो डिस्कस डालेंगे तो वो थोड़ा सा लॉस्ट हो जाएगा वहां पे। 4-6 से अगर स्टार्ट करते ये टैंक में and all the way up to 14 jaate hain, so this is a ideal size for a hobbyist to start with, and of course for the fish to grow, wo potential bhi usme reh jata hai ki fish aur bhi grow ho sake. And ye bhi suna hai ki wo group mein they are more safer, unko acha lagta hai group mein, you know, if there are about 6-8 minimum, to they feel comfortable, feel safe. That's the right way to keep discus. Okay. That's the right way to keep discus. You cannot get 2 discus and leave it in a tank, bare bottom tank or a planted tank. They will always go and hide. But if they've got companions, agar saathi hai saath mein, toh 4-6 is always better ke wo saath mein ek group mein hi rehte hain. To aapne bola ki bare bottom mein 12-14 tak rakh sakte hain, 3 feet by 1.5 by 1.5. Agar main isme thoda sand daalun aur thoda wood or stone decoration karun, थोड़ा बहुत अनुबियाज और फर्न्स डाल दो, ओके, तो फिर कितना रख सकता हूं? सो आपने अगर समझो इसमें से 30% स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो आपके टोटल में 30% या 40% कम कीजिए, जैसे 14 से हो गए आप 8 पे आइए, क्योंकि 8 फिशेस के लिए भी काफी कुछ जगह रह जाएगा। एंड अगर मैं फुल प्लांटेड करूं इसको, तो इन दैट केस जैसे आपने बोला मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 60% जगह यूज करने वाला हूं, तो देन इन दैट केस 2-3 डिस्कस रखना सही बात है कि नहीं? सो अगर आप फुल प्लांटेड टैंक करें, तो मैं को ये ऐड करना है कि डिस्कस प्लांटेड टैंक में भी जाता है, बट छोटे साइज में, एटलीस्ट एक 4-4.5 इंच के साइज को, क्योंकि दे कैन सर्वाइव ऑन ड्राई फीड, स्मॉलर फिशेज वुड नीड एनिमल हट। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आपने 60% ऑक्यूपाई किया है, तो आप 4 या 5 गुड साइज्ड फिश रखें,
तो वो फिश, बट इट्स बेटर जैसे आपका कहना है कि अगर मैं फुल प्लांटेड रखना चाहता हूं तो देन बेटर टू गो फॉर 4 feet या 5 feet या 6 feet टैंक, ताकि डिस्कस को ज्यादा मूवमेंट के लिए जगह मिले. ओके, यू आर राइट. इस बात पे मेरे को याद आया, एक बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है डिस्कस प्लांटेड टैंक में कैसे रखते हैं, क्या करना चाहिए, उसके बारे में वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, मिस मत करना, सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्कस के काफी सारे वैरायटीज हैं, ठीक है, क्या एक 50-60 वैरायटी होंगे? एवरी ब्रीडर, हर ब्रीडर अपने ब्रीड, अपने अपने जो इन्वेंशन या अपने पास जो ब्रीड होता है वो ट्राई करता है कि अलग नाम दे, थोड़ा बहुत वेरिएशन लेकर. सो अगर वो हिसाब से गिनने जाएं तो 50 कम है, बट अदरवाइज अगर आप स्ट्रेन के हिसाब से जाएं तो अराउंड 22-23 स्ट्रेन आर कॉमन अक्रॉस द ग्लोब. 22-23 स्ट्रेन तो आराम से अक्रॉस द ग्लोब है. इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें वाइल्ड कॉट डिस्कस जो है, जो कुदरती है, अमेजॉन रिवर से आता है, वो कुदरती है, उसके कितने वैरायटी है? अमेजॉन रिवर का पैच या बेल्ट काफी लंबा है. सो हर जैसे जैसे हमारे यहाँ पे है, हर सिटी में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है या छोटे छोटे स्टेशन जैसे, वैसे अमेजॉन रिवर में भी पैचेस हैं और हर पैच पे वाटर इक्वेशन चेंज होता है. सो हर रिवर का एक नाम होता है, वहां से अगर एक्सट्रैक्ट किया हुआ फिश है, वहां से फिश किया हुआ फिश है, उसके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट रहेंगे. तो वाइल्ड्स में भी अराउंड 8-10 रिवर्स के मैंने खुद डील किया हूं, तो मुझे उतना पता है. तो ज्यादातर ये सब हम उनको, इनको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं. सो सब वाइल्ड से ही निकला हुआ, उसको ब्रीड करके वो अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग कलर्स. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लू डायमंड इज मोर ससेप्टेबल या मोर अग्रेसिव, कभी कभी बोलते हैं, या दूसरा कलर लेस अग्रेसिव है, ऐसा हो सकता है क्या? Have you seen anything like that? I have not seen as such. I have not noticed that, say, probably a particular strain is aggressive. But these are all more or less same. Aggression comes by gender. Okay. Aggression comes during when they are maturing. जब वो breeding stage में आता है, तो वो चाहे blue diamond हो, चाहे galaxy turquoise हो, वो अपना aggression दिखाएगा. बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ द नेचर के जो मेल ज्यादा एग्रेशन और ज्यादा ब्यूटिफुल लगता है, द फीमेल विल मेल, फीमेल विल अट्रैक्ट, सो दैट गोज विद द फिशेस आल्सो. ओके, तो मैंने ये सब आपका पॉइंट्स लिया और मैंने डिस्कस खरीदा. डिस्कस खरीद के वही दिन मैं टैंक में डाल सकता हूँ, मतलब वही दिन टैंक भी खरीदा, वही दिन नया पानी भी डाला, डिस्कस भी डाला, या मेरे को टैंक पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है कितने दिन के लिए? डिस्कस डालना है तो आप मार्केट में गए, सुपरमार्केट में गए, ये लिया, वो लिया, वो लिया, वैसे नहीं कर सकते. इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू दैट. डिस्कस टैंक आपको एटलीस्ट एक वीक डिस्कस खरीदने से पहले साइकिल कीजिए. इनकेस आपके पास डिस्कस टैंक ऑलरेडी है तो ये जो नए डिस्कस आप खरीदने वाले हैं उनके लिए एक क्वारंटाइन टैंक सेट कीजिए, हॉस्पिटल टैंक सेट कीजिए. वो टैंक आपको फ्यूचर में भी काम आएगा क्योंकि फिश इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ लिविंग बीइंग. सो उसमें जरूर डिजीज भी आएंगे और आपके मेन टैंक में आप सेट नहीं कर सकते, उसे ट्रीट नहीं कर सकते, उसे अलग निकाल के ही हॉस्पिटल में ट्रीट कर. तो ये क्वारंटाइन टैंक आपके पास रहना जरूरी है. जैसे मैंने बोला कि अगर आप फ्रेश टैंक सेट कर रहे हैं तो 1 week यू हैव टू साइकिल द वॉटर. उसके जो भी पैरामीटर्स है फॉर द डिस्कस आपको उसको सेट करने हैं, स्टैंडर्डाइज करना है. जब आप दुकान से नई डिस्कस लेके आते हैं तो उसे लेके आके डायरेक्टली आपके टैंक में नहीं छोड़ेंगे, अगर नया टैंक है तो उसे पहले आपके टैंक के साथ अक्लमटाइज करेंगे. टैंक का पानी और ये पानी सेम पैरामीटर्स लाने के लिए, जैसे टैंक के पानी से निकाल के आप चाहे बकेट में छोड़े चाहे वो बैग में करें, मिक्स करते जाए टिल आपके बैग या बकेट में टोटल आपका टैंक का पानी हो. उसके बाद आप वो फिश को लेके सिर्फ टैंक में छोड़ देना. सो दैट इज बेसिक दैट वन शुड नो अबाउट. हमने आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हॉस्पिटल टैंक कैसे सेट करते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैंने बताया है. वो वीडियो थंबनेल देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ताकि और जानकारी मिले.
वो वाले डिस्कस भी मैंने अनिल भाई से लिया था, ओके मैं नाम भूल गया, बट वो भी इन्हीं से लिया था, बहुत सुंदर डिस्कस। वो डिस्कस एक प्लांटेड टैंक में है, देखना है ना, प्लांटेड टैंक जल्दी आएगा वीडियो। तो अभी आपने अनिल भाई मेंशन किया कि डिजीजेस हो सकते हैं इनको, तो व्हाट आर द कॉमन डिजीजेस अनिल भाई? कॉमन डिजीज ऐसा है कि डिस्कस को जो मोस्ट कॉमन डिजीज है, दे स्टॉप ईटिंग। ओके, देयर आर वेरी फ्यू फैक्टर्स फॉर इट, द जनरल फैक्टर्स, आई विल नॉट गो डीप इनटू इट, आई विल जस्ट गिव यू अ फ्यू फैक्टर्स। डिस्कस इज अ ट्रॉपिकल फिश, ट्रॉपिकल फिश को एक टेम्परेचर रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है आपको। सपोजिंग आपके घर पे एसी है और आपके टैंक में वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपरेटस नहीं है, तो वो टेम्परेचर वो ड्रॉप बिलो 24 डिग्रीज, डिस्कस विल ग्रेजुअली स्टॉप ईटिंग बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, और जब नहीं खाएगा तो वीक होगा जरूर। तो सेम उनके साथ भी वैसे ही है जैसे हमारे साथ, तो वो एक टेम्परेचर ऐप रखना जरूरी है। दूसरे जो कॉमन होते हैं कि पानी के गंदा होने से या पानी के पैरामीटर सेम नहीं रहने से फिश के एक्सटर्नल बॉडी पे इचेस आते हैं, स्क्रैचेस आते हैं, उनको काफी सारे पैथोजेंस डिस्टर्ब करते हैं, तो वो एक ट्रीट करने के लिए उसका एक अलग है। तो उसमें वो सब फिशेस को होंगे जो टैंक के अंदर, यहाँ पे जब अगर समझो इंटरनल कुछ होता है, इंटरनल इश्यूज जब होता है, तब फिश वुड शो अ डार्कन कलर एंड इट विल हाइड फ्रॉम द लॉट, सो तभी आप समझ सकते हैं कि फिश को कुछ प्रॉब्लम है एंड आई नीड टू ट्रीट इट। बट हैविंग सेड दैट, कोई भी डिजीज या कोई भी सिम्टम के लिए सेट फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि मछली आपके घर पे है, आपको देख के समझना है उसको कि क्या है, या फिर कोई एक्सपर्ट से आप वीडियो शेयर करके एडवाइस ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं कोई मेडिसिन आपको बता नहीं रहा हूँ कि आपने क्या करना चाहिए, बट बेसिक है अगर फिश को बॉडी पे कुछ रहेगा तो इट विल स्टार्ट स्क्रबिंग इट सेल्फ, स्क्रैचिंग इट सेल्फ टू सर्फेसिस। अगर कुछ इंटरनल है तो गैंग से अलग होके कोने में रहेगा, तो ये आपको इंडिकेटर्स है कि ठीक है मेरे टैंक में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तो मैं ट्रीट करूँ, नहीं समझ सकता हूँ, काफी एक्सपर्ट्स हैं, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कीजिए, दे विल हेल्प यू आउट। मेरा नंबर है, आप मुझे भी मैसेज कीजिए, टू माई बेस्ट एबिलिटी आई विल हेल्प यू आउट। यहाँ पे हमारे पास थोड़े जम्बोज हैं, दीज आर लाइक गुड 6 to 7 inches टॉल, रेड वैलेंटाइन, रेड रोज, फेस स्पॉटेड लेपर्ड स्नेक स्किन, कोबाल्ट, अल्टम फ्लोरा एंड अ कैलिको। इस टैंक के नीचे हमारे पास मार्क टैन के ब्लू रिम, ब्लू फेस, रेड रोज थोड़े यहाँ पे भी है हमारे पास, दीज आर ऑलमोस्ट रेडी टू ब्रीड नाउ। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, मैं ज्यादातर लोगों को बोलता हूँ कि बिना कोई बीमारी के, बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के मेडिसिन यूज ना कर, कोई भी मेडिसिन, ओके, इट्स फॉर अस ऑल्सो सेम थिंग, मछलियों के लिए भी सेम है। और मैं प्रमोट करता हूं कि आप थोड़ा रॉक सॉल्ट यूज करें ऑन अ वेन एवर पॉसिबल लिटिल बिट, बट इफ दे हैव एन इश्यू देन थोड़ा टेम्परेचर, सॉल्ट और साफ पानी से ज्यादातर यू नो इश्यूज क्योर हो सकता है। योर टेक ऑन दैट अनिल भाई? ऑफ कोर्स टेम्परेचर क्योर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंटरनल इश्यू रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, फिश स्टार्ट्स फीडिंग, सॉल्ट हैज गॉट लॉट मेनी प्रॉपर्टीज जो एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली कर सकता है, गिल्स उनके सबसे मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है, तो वो सॉल्ट काफी ट्रीट करता है उसको, पैरासाइट्स हो या फ्लूक्स हो, तो बेसिक इज सॉल्ट एंड अ गुड टेम्परेचर, that's very rightly said, that is perfectly right. अनिल भाई एक क्वेश्चन बहुत आता है, ओके, मेरे को बहुत पूछते हैं कि ब्रीडिंग के बारे में बताइए, डिस्कस ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीडिंग के बारे में वीडियो बनाइए, तो आप डिस्कस ब्रीड कब करने वाले? मैं जानता हूं आपके पास ब्रीडिंग पेयर्स है, तो मैं सिर्फ बातें नहीं करना चाहता हूं, मेरा आदत है वीडियोज में कि मैं ज्यादातर दिखा के बताता हूं, आई डोंट, हम सिर्फ बात नहीं करता हूं, ओके, कि ऐसा करना है वैसा करना है, दिखाने से ज्यादा पब्लिक को सीखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं डिमांड करता हूं कि आपका पूरा ब्रीडिंग का वीडियो जो है हम पब्लिक को दिखाएं, वो कहा जल्दी। ऑनेस्टली मैं ब्रीडिंग सिर्फ हॉबी के लिए करता हूं, इट इज नॉट माय ट्रेड। आप भी हॉबी के लिए सिखाइए, ट्रेड में। हाँ, सो
हॉबी के लिए पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, लेट नेचर टेक इट्स ओन कोर्स. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके टैंक में ब्रीडिंग पैड बन रहा है तो बेसिक थिंग है कि उसको प्रिवेसी दीजिए जैसे आप लेते हैं, और उनको अपना काम करने दीजिए. नेचर, लेट नेचर फॉलो. ठीक है, पानी साफ रखिए उसका, डिस्टर्ब ना कीजिए पैर को, एंड आई गेस थिंग शुड वर्क. ये अनिल भाई का एक ब्रीडिंग पैर है, इनको शायद ये कहते हैं, इनको इनका नाम है हेकल क्रॉस. ओके अनिल भाई, हेकल क्रॉस. या एब्सोल्युटली राइट मयूर, ये हेकल क्रॉस है फ्रॉम आईपी अगेन, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रीड. अब एक बार अंडे लगा चुके हैं, थोड़े इमेच्योर पैर हैं, बट नेक्स्ट राउंड में ठीक हो जाएंगे, ब्रीड कर जाएंगे. सुना आपने? ठीक है, अभी अनिल भाई हमको समझाएंगे कि मेल और फीमेल कैसे पता चलता है. ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे. ठीक है अनिल भाई, जरा समझाइए आप. मयूर भाई, मेल और फीमेल, काश हमारी तरह होते हैं, जिनको मूछ है वो मेल, जिनको मूछ नहीं है वो फीमेल, बट अनफॉर्चुनेटली ये आइडेंटिकल लगते हैं. 100% कंफर्म तब होता है जब फीमेल एग ले करते हैं और मेल उसे फर्टिलाइज करता है. तो व्हेन यू सी दैट प्रोसेस आप बता सकते कंफर्म 100%. बट देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक मेल्स हमेशा हैंडसम रहते हैं हमारी तरह, इनमें भी मेल्स हमेशा हैंडसम रहते हैं. दे विल डिस्प्ले डार्कर कलर, दे विल बी बिगर इन साइज, एंड दे विल बी द मोस्ट अग्रेसिव वंस इन अ कॉमन टैंक टू ड्राइव अवे द अदर फिशेस एंड टेक केयर ऑफ द फीमेल. तो दैट्स देयर नेचुरल वे टू शो दैट दे आर मेल्स डोमिनेटिंग. फीमेल भी एग्रेशन दिखाती है, बट फीमेल का एग्रेशन अलग होता है. वेन दे वॉन्ट टू मेक अ टेरिटरी, दैट टाइम दे विल शो द एग्रेशन. सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाली जो है लाइटर वाली जो है, दैट्स द फीमेल. आई हैव सीन अ लेइंग एग, सो आई एम कॉन्फिडेंट. एंड दैट्स द मेल बिकॉज वेन दे वर इन द कॉमन टैंक ही वॉज ड्राइविंग देम ऑफ, प्लस द कैरेक्टरिस्टिक हैंडसम लाइक मी. एंड yeah, that's a male, you know, it has got some body structures which say the anal fins, the dorsal fin, wo sab female se alag rehta hai. So as and when you experience that, you will learn. I am sure, or probably I can say that, you know, there are very few people in the discus industry who can identify 100% male or a female, but all goes by experience, and I'm not experienced that to show you a male and female, but this is what are my findings. Comments में मैं आपको एक question पूछने वाला हूँ. Difficult question है actually, but interesting है, थोड़ा homework करना पड़ेगा. अनिल भाई को शायद ये मालूम भी होगा. अगर आपने एक येलो कलर डिस्कस और एक रेड कलर डिस्कस ब्रीड करें तो येलो फिश कितना आएगा, रेड फिश कितना आएगा, और भी फिश आएगा क्या, कलर्स आएगा क्या. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हम लोग एक्चुअली लास्ट टाइम मैं और आप ये डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट्स में लिखोगे. ठीक है, फिर से सुन लो, अगर आप येलो कलर फिश और रेड कलर फिश को ब्रीड करते हैं तो बच्चे क्या कलर के निकलेंगे, येलो, रेड या कुछ और. ओके, कमेंट्स में. तो ये अनिल साहब का सीक्रेट है, मैं बता रहा था ना सीक्रेट है कह करके. ये एल्टम एंजल्स, इसका क्या सीक्रेट है, एक एक फिश ऑलमोस्ट 1 फीट तक ग्रो हो सकता है, ब्यूटिफुल फिश. इसका कुदरती खुराक कार्डिनल टेट्रा, रमिनोस टेट्रा ब्रेकफास्ट में खाता है, ऑसम फिश. अनिल भाई इसके बारे में बताइए ना. ये अल्टम एंजल्स अगेन आईपी से है और ये उन्होंने ब्रीड किया है. सो ये फर्स्ट फिलहाल का है, F1 जिसे कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली वाइल्ड के हैं, बट हमारे नॉर्मल वाटर्स को, जो हमारे टैप वाटर्स को अडेप्टेड है. सो दिस कैन गो इन योर प्लांटेड टैंक इजीली विदाउट एनी एक्लिमेटाइजेशन और चेंज ऑफ पीएच. सो ये मेरे पास है और मैं ट्राई कर रहा हूँ इनको ब्रीड करने. मेरे पास कुछ वाइल्ड कॉट भी है जो मेरे घर पे, दैट इज माई सीक्रेट ट्रेजर. एंड एज मयूर सेड, दे हैव ग्रोन मोर देन अ फुट, एंड या आई एम होपिंग टू ब्रीड देम सून. सो वेट एंड वॉच. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. और हमारे व्यूअर्स के लिए वीडियो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ऑन मयूर देव यूट्यूब चैनल. चलो, प्रॉमिस. और कुछ
जैसे कि ये वाले बिस्किट सब असॉर्टेड दिख रहे हैं, इसमें कुछ है? ये मेरे क्लाइंट के लिए सेलेक्ट करके मैंने रखा हूँ। आई एम एज आई टोल्ड यू आई एम सीजनिंग देम ओनली फॉर ड्राई फीड, दे विल बी गोइंग इन अ वाइल्ड टैंक, आई मीन अ प्लांटेड टैंक। एंड ये अभी लास्ट 7 डेज से सिर्फ ड्राई फीड पे है एंड दे आर टेकिंग इट क्वाइट नाइसली। सो मे बी नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूजडे ये मेरे क्लाइंट के टैंक में। तो ये एडवांटेज है अनिल भाई से लेने का कि वो आपके हिसाब से, आपके टैंक के हिसाब से, आपके पानी के हिसाब से उसको एक्लिमेटाइज करके ड्राई फीड में कन्वर्ट करके उनको यू नो सेट करके आपको देंगे। ये एडवांटेज है जब एक हॉबीस्ट बिजनेस में आता है, यही एडवांटेज है। तो आज आपने अनिल भाई का दुकान देखा, सेटअप देखा, बहुत सुंदर है। पहले तो थैंक यू सो मच अनिल भाई, आपने अपना टाइम निकाला, समय निकाला, हॉबीज लोगों को इतना सुंदर से समझाया कि क्या करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्या देखना चाहिए एक डिस्कस में, कैसे रखना चाहिए, ये सब आपने समझाया। थैंक यू सो मच। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आओ अनिल भाई से मिलो। आपको खरीदने का जरूरत नहीं है, सीखने के लिए आओ। ये हॉबीस्ट का दुकान है, कोई रेगुलर शॉप नहीं है कि आप नहीं खरीदोगे तो वो बुरा मान जाएंगे, नहीं। सीखने के लिए आओ, ठीक है, सीखो बाद में खरीदो, नो प्रॉब्लम, ओके। तो अगेन थैंक यू सो मच अनिल भाई, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड और भी वीडियोस बनेंगे ब्रीडिंग के बारे में, आपके ब्रीडिंग पेयर के बारे में, ठीक है, एंड वी विल मीट यू अगेन, बहुत जल्दी मीट करेंगे, ठीक है। एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि आप सबको मेरा ये वाला वीडियो भी पसंद आया, मजा आया, कुछ सीखने को मिला, एक और बहुत ही पैशनेट हॉबीज से मिलने को मिला आप सबको, ठीक है। तो मेरे तरफ से, मेरे होल टीम की तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। डिस्कस बहुत ही सुंदर फिश है, बहुत ही मजेदार फिश है। अगर आप साफ पानी, अच्छा खाना, ठीक है, और बहुत प्यार से रखें तो बहुत सुंदर रहेंगे और काफी साल तक रहेंगे, ठीक है। डिस्कस को एंजॉय करो, हॉबी को और भी एंजॉय करो, ओके, बाय। What do you want me to do? Dance. I'm really very happy today. I'm full discuss all around me. Full happy.